हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंफो बर्ड सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 20x40 फीट के प्लॉट में घर का नक्शा कैसे बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लोर प्लान से। यहां पर हम देखेंगे 20x40 फीट के प्लॉट में घर का नक्शा कैसे बनाए। ये मेरे प्लॉट की विड्थ, ये हमारे प्लॉट की 20 फिट और ये हमारी लेंथ 40 फिट। अब चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ बेडरूम। बेडरूम का साइज हमारा 11 फिट 2 इंच विड्थ एंड 11 फिट लेंथ। ये हमारा हो गया बेडरूम। अब इसके साइड में हमारा है किचन। किचन का साइज 7 फिट 9 इंच विड्थ एंड 11 फिट लेंथ। ये हमारा 11 फिट 7 फिट 9 इंच विड्थ होगी और ये किचन का होगी। अब चलते हैं हम स्टेयरकेस की। स्टेयरकेस की विड्थ है हमारे 6 फिट और स्टेयरकेस के साथ में हमारा ये टॉयलेट एरिया, जिसमें इसका 6 फिट 7 इंच विड्थ एंड 4 फिट 9 इंच लेंथ। दूसरे टॉयलेट का साइज है 6 फिट 7 इंच विड्थ एंड 5 फिट लेंथ। अब चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज है 10 फिट विड्थ एंड 11 फिट लेंथ और ये हमारा है पार्किंग स्पेस के लिए एरिया। यहाँ पर हमने एक स्टोर रूम बना रखा है। स्टोर रूम का साइज है 4 फिट 6 इंच विड्थ एंड 6 फिट लेंथ। ये हमारा बेडरूम, ये किचन, ये स्टेयर केस, ये टॉयलेट 1, ये टॉयलेट 2, ये मास्टर बेडरूम और ये हमारा पार्किंग के लिए स्पेस। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर की स्विमिंग कंप्लीट हो गई। इसमें हमने बेड, किचन का सारा सामान, ये फ्रिज, ये टॉयलेट, ये सोफ़ा, ये टीवी, टेबल सारा लगाकर हमने दिखा रखा है, जिससे पता जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस सब लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बच रहा है ये। अब चलते इसके देखते हैं इसके 3D व्यू में। ये हमारा इसके 3D व्यू, ये पार्किंग के लिए गाड़ी जाने के लिए हमारा शटर है स्टील जो लोहे का बना हुआ। ये हमारा रूम के अंदर जाने के लिए, ये हमारे हॉल के अंदर जाने के लिए। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हमारा बेडरूम और ये हमारा किचन। तो ये हमारा बेडरूम 2 है। जैसा कि हमने देखा था कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारा बेडरूम 1 ये था और ये किचन था। यहाँ पर हमने ड्राइंग रूम बना रखा था और इस एरिया में पार्किंग था। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमने इस एरिया को हमने बेडरूम 1 बना रखा और इसको हमने ड्राइंग रूम बना रखा है। ठीक है, अब देखते हैं 3D व्यू में। ये हमारा 3D व्यू, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारा बालकनी में जाने के लिए गेट है, ये हमारा बेडरूम होगी और यहाँ से जब हम स्टेयर से ऊपर आएंगे तो ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये हमारा एक छोटा सा पूजा रूम है। ये टॉयलेट 1 एंड टॉयलेट 2, ये बेडरूम 1 और ये किचन है हमारा। अब चलिए देखते हैं हम इसके ड्राइंग के। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का फ्रेम प्लान। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में ये हमारा पार्किंग के लिए एरिया हमने यहीं छोड़ रखा था, जैसे कि हमने 3D व्यू में देखा था। ये हमारा ड्राइंग रूम है, इसकी साइज 10 फिट ये विड्थ का और 11 फिट लेंथ है। इसके साथ ही हमारे टॉयलेट अटैच है। टॉयलेट 1 का साइज 6.7 फिट विड्थ का यानी 5 फिट लेंथ है और ये हमारा टॉयलेट 2 है जिसका साइज 6.6 फिट 7 इंच ये लेंथ है और ये हमारा 4 फिट 9 इंच है। और ये हमारा स्टेयर केस ऊपर की ओर जाने के लिए और ये हमारा स्टोर रूम, जैसा कि हमने देखा था कि ये 3D व्यू में हमने स्टोर रूम के लिए स्पेस छोड़ रखा था जिसका साइज है 4 फिट 6 इंच विड्थ है और ये 6 फिट लेंथ है। और ये हमारा बेडरूम 1 मास्टर, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ठीक है, जिसका साइज 11 फिट 2 इंच विड्थ है और ये 11 फिट लेंथ है। और ये हमारा किचन, किचन का साइज है 7 फिट 9 इंच ये और ये हमारा 11 फिट है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है। जब हम स्टेयर के ऊपर की ओर आएंगे तो ये हमारा ये बेडरूम, ये हमारा बेडरूम और ये हमारा किचन, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। और ये हमारा टॉयलेट 2 है जो कॉमन टॉयलेट है और ये हमारा टॉयलेट 1 है। ये हमारा बेडरूम 1 से अटैच है और बेडरूम 1 से हमें बालकनी में जाने के लिए रास्ता है, जो 3 फिट वाइड बालकनी जो काफ़ी अच्छी खासी बालकनी विड्थ है स्पेस है बैठने के लिए। और ये हमारा ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम का साइज है 8 फिट 10 इंच ये और 11 फिट ये हमारे लेंथ है।
और ये हमारा ये डाइनिंग एरिया, डाइनिंग एरिया से ही हमारा ये एक पूजा रूम है। पूजा रूम का साइज है 5 फीट 0 इंच ये विड्थ, और ये 4 फीट है। और ये डाइनिंग एरिया का साइज है 12 फीट 3 इंच विड्थ है, और ये 12 फीट 1 इंच लेंथ है। ये था हमारा फर्स्ट फ्रेमिंग प्लान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। यदि आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो या फिर आप किसी और साइज के प्लॉट का नक्शा देखना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।